वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन का एक ऐसा पार्ट जिसकी जनरली नेग्लिजेंस की जाती है, जिसके बारे में जब भी बात की जाती है तो उसको अंडर एस्टिमेट करके माना जाता है। लिसनिंग, लिसन करना, सुनना, कम्युनिकेशन हम शुरुआत से देख रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है कोई बात किसी पक्ष का तक पहुँचाना। कैसे पहुँचाना? या तो मुंह से शब्दों का उच्चारण करके, लेटर लिखकर, या किसी ऑडियो विजुअल मीडियम से हम किसी भी तरीके से मुझे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अब इसमें खास तौर से जो वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है तो वहाँ पर हमारे सामने बहुत बड़ा इशू आता है कि हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर दी जा रही है। हमने ऑडियंस को जो भी बताना है उसके बारे में हमारी पूरी तैयारी है और हम अपने पूरे ऑनेस्ट एफर्ट्स के साथ ऑडियंस के बीच में चले गए, लेकिन उस चीज़ को ढंग से सुना नहीं गया तो हमारा कहने का मतलब बेकार हो गया। लिसन करना, श्रवण करना, सुनना, ये बहुत ज़रूरी है हमको किसी भी चीज़ के बारे में लर्निंग करने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में परसेप्शन डेवलप करने के लिए। सुनने की आदत विकसित करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सुन नहीं सकते हैं तो शायद बोलना भी हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा। हमको इनपुट चाहिए। इनपुट कहाँ से मिलेगा? या तो हमने कहीं से कोई बात पढ़ी है, हमने कहीं से कोई बात देखी है, टीवी पर देखी, इंटरनेट पर देखी, या कहीं से कोई बात हमने सुनी। जब तक इनपुट नहीं है हम किसी भी तरह का आउटपुट देने की स्थिति में नहीं आ सकते हैं। इसलिए एसेंशियल पार्ट है जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लिसनिंग के बिना कम्युनिकेशन अधूरा रह जाता है। एक इसके पैरेलल वर्ड काम में लेते हैं, वो है हियरिंग, हियर करना। हियर सुन लिया, बस करिए, सुनने की प्रक्रिया हो गई। जबकि लिसनिंग का मतलब है किसी भी बात को सुनकर उसका एक्चुअल मीनिंग निकालने की कोशिश करना, एक्चुअल मीनिंग तक पहुँचने का प्रयास करना। आप खुद कर सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं हो सकता है तो जो भी बोलने वाला पक्ष आ रहा है, मैसेज देने वाला पक्ष आ रहा है, उससे इसके बारे में बातचीत कर ली है और उसका स्पष्टीकरण करने की कोशिश की है। तो इसके जो आस्पेक्ट्स हैं उसको डील करेंगे तो लिसनिंग के सारे आयाम हमारे सामने खुलकर आ जाएंगे। जैसे पहली बात हमने यहाँ पर नोट की है, एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है? एक एंड पर कम्युनिकेटर होता है, उसके पास एक मैसेज होता है, एक मीडियम का सिलेक्शन किया जाता है, मैसेज की कोडिंग की जाती है, मैसेज कन्वे कर दिया जाता है, मैसेज रेसिपिएंट के पास पहुंचता है, वो उसको डिकोड करता है। डिकोडिंग का मतलब ही लिसनिंग करता है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने वर्बली आपको मैसेज दिया, लास्ट में ये होता है आप लोग सुनते चले जाते हैं बातों को, तो सुनने की जो प्रक्रिया है ये जब पूरी होती है तो हमारा कहने का मतलब भी पूरा हो जाता है। लिसनिंग और कैन स्पीकिंग, इनके बीच में गैप अगर रह जाता है तो कम्युनिकेशन भी कहीं अधूरा रह जाता है। इसलिए एसेंशियल पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, बेसिकली रिलेट्स टू वर्बल कम्युनिकेशन। लिसनिंग वर्ड जो है ही, हम ऑडियंस के साथ बातचीत कर रहे हैं, सुनोगे कब? जब आपको कोई बात कह रहा है मुँह से बोलकर आपको बातचीत बताई जा रही है, तब आपको लिसन करने का मौका मिलता है। दूसरे इसके जो हमारे आयाम हो सकते हैं, जैसे रिटन कम्युनिकेशन है, लिखित संप्रेषण है, तो वहाँ पर चीज़ों को पढ़ना वो भी लिसनिंग का एक पार्ट माना जा सकता है। जब उसको डिकोडिंग कर रहे हैं, जो कहने वाले का मतलब था उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा एफर्ट है लिसनिंग का। तो अगले डायमेंशन बढ़ते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। लिसनिंग के लिए जनरली दोनों पक्षकार आमने सामने होते हैं, कहने वाला और सुनने वाला, जैसे देने वाला वैसे साफ करने वाला, दोनों पार्टीज आमने सामने कहाँ होते हैं? मीटिंग हो सकती है, सेमिनार हो सकती है, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, क्लासरूम जो आपके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, ये एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। ये तो है डायरेक्ट मेथड्स। और इनडायरेक्ट मेथड जो हो सकता है वो होता है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन। इसमें ऑडियंस ठीक है आपके सामने वैसे नहीं है, लेकिन आवाज़ या उस कनेक्टिविटी के साथ आप रिसर्च कर चुकी है, आपकी आवाज़ उसके कानों तक पहुँच रही है, वो रेस्पॉन्स कर रहा है, तो वो तरीका लिसनिंग का है। एक और डायमेंशन ये भी बोलना है कि मेजोरिटी ऑफ आवर डेली रूटीन लाइफ स्पेंड्स इन लिसनिंग। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें शायद बहुत बड़ा भाग लिसनिंग का होता है। लिसनिंग यहाँ तक हो जाती है, हम यहाँ पर बैठे हैं, बराबर से कोई व्हीकल निकल जाए, व्हीकल की आवाज़ हमारे कान में पड़ जाए, लिसनिंग तो हो रही है। हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, और आसपास में किसी व्यक्ति ने कोई बातचीत की या खाना खुशी कर रहे हैं, हमारा ज्ञान वहाँ चले गए, लिसन करने का हमने प्रयास किया। म्यूजिक सुनते हैं, लिसनिंग का पार्ट होता है।
तो हमारा मेजोरिटी जो दिल की है वो निकलती है लिसनिंग। और लिसनिंग के लिए अपना एसेंशियल एस्पेक्ट ले रहे हैं, इसमें कंसंट्रेट करना, फोकस करना, ये बहुत एसेंशियल है। लिसनिंग डायमेंशन से बातचीत करेंगे, इसके लाइन्स हैं। तो लिसन करने के लिए बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो है आपको पेशेंस रखना। सुनना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, हम बोलने की भी कोशिश करते हैं लेकिन सुनना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सुनना भी उतना ही एसेंशियल है। तो क्या बात की हमने, सुनने से हमको कुछ इनपुट मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी। सुनी हुई चीज़ बेकार नहीं आती है, अब तब काम में आएगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम सुनने की अनदेखी करते हैं तो एक मौका हमारे हाथ से चला गया। कभी रिपोर्ट करने की आवश्यकता पड़े, उस बात को दोहराने की आवश्यकता पड़े, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिसन करने के लिए बहुत एसेंशियल है कंसंट्रेट करना, फोकस करना, अटेंशन रखना। और फिर है रिफ्लेक्टेड बाई लोकल सर्कमस्टांसेस। लोकल सर्कमस्टांसेस जैसे यहाँ की अगर बातचीत कर ली जाए तो यहाँ का एटमोसफेयर कैसा है, यहाँ पर आसपास शोर शर्मा कितना होता है, गैलरी से निकलते हुए बच्चों की आवाज़ आती है, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। फोकस करने के लिए हमें एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट मिल जाता है जिसमें ढंग से हो सकती है। और कहीं कोई उसमें नहीं रह जाता है, उसको दूर करने के लिए हमको पहले एफर्ट कर लेना चाहिए, इससे पहले कि हमने ऑडियंस को कहीं पर इकट्ठा कर लिया। अगला एस्पेक्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये ऑडियंस यानी आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, आपके ऊपर ये लागू होने वाला फैक्टर है। जो लिसनर्स होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं। कहने वाले का तो एक ही मतलब है, कहने वाले ने तो एक ही बात कही है। अब सुनने वाले अगर मान लो 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से सुनेगा, अपने अपने तरीके से मीनिंग निकालेगा। ये डिफरेंस खत्म करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके पर्सनल सोशो कल्चरल वैल्यूज होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उसके अपने सुनने की लिमिट्स होती है, उसका एनालिसिस करने का तरीका होता है, और इसके आधार पर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इसको दूर करना कोशिश करती है। लेकिन लिसनिंग को हम एसेंशियल मानते हुए, लिसनिंग को इम्पोर्टेंट मानते हुए अगर इसके साथ जुड़ते हैं तो ये कम्युनिकेशन को भी कम्प्लीट करता है, और हमारे कुछ एडिशन होगा, हमारी जानकारी में कुछ विस्तार होगा, इस बात को भी संभव बनाएंगे। ये है लिसनिंग से जुड़े हुए बेसिक्स। और क्यों जरूरी है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इससे आप कुछ अपने आप में जोड़ने वाले हैं, आपके नॉलेज में एडिशन होने वाला है, आपकी एग्जिस्टिंग जो एजम्पशंस हैं उसमें हो सकता है किसी भी तरह का बदलाव हो जाए। उस समारोह को देखते हुए हमें लिसनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, लिसनिंग को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अब इसमें लिसनिंग की जो बात की जाती है, इसी को हम अगर बेस मान लें इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो हमारे पास ये इसकी वैराइटीज निकल कर आती है। लिसनिंग तो होती है, लेकिन लिसनिंग किस किस फॉर्मेट में चली जाती है, लिसनिंग क्या क्या रूप ले लेती है, इसकी कुछ कैटेगरीज हम आइडेंटिफाई करते हैं। पहली कैटेगरी है जनरल लिसनिंग। बुरा नहीं मानना है, क्लासरूम में ज्यादातर स्टूडेंट्स की ये लिसनिंग होती है, सुन रहे हैं, टीचर को लगता है स्टूडेंट सुन रहे हैं, लेकिन एक तो होता है हमारी फिजिकल प्रेजेंस और एक होती है हमारी मेंटल प्रेजेंस। अगर दोनों को हम एक ही करते हैं तो खाली जनरल लिसनिंग की बात हो जाएगी। अब इसमें होता ये भी है कि टॉपिक पूरा करने के बाद में जब हम आपसे बातचीत करते हैं रेस्पॉन्ड नहीं हो पाता, तो ये जनरल नहीं करना है, हमको स्पेसिफाइड होना है, कैसे होना है, ये सभी बात कंटेंट लिसनिंग। विषयगत श्रवण, विषय क्या है जैसे आज हम बात कर रहे हैं लिसनिंग के बारे में, तो लिसनिंग की जो जो बातें आती जाएंगी वो तो हम ध्यान से सुनते चले जाएँ, और बाकी कोई बात जैसे किसी बात को समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल दिया उससे हमने ध्यान हटा लिया, ये हो जाती है कंटेंट लिसनिंग। आप सब्जेक्ट की बात करोगे हम आपकी बात सुनेंगे, सब्जेक्ट से थोड़ा भी हटे हमारा ध्यान हट गया, ये लिसनिंग में फिर बेहद बन जाता है। क्योंकि एग्जाम्पल देना, कुछ बातें सपोर्टिव रूप में बताना, जैसे कई धार्मिक वचन भी होते हैं, सत्संग करते हैं, कोई भजन बीच में डाल दिया तो वो उसको डिस्टर्ब करने का पर्पज नहीं होता, बल्कि ये कंटिन्यूटी बनी रहे, उसके लिए एग्जाम्पल इससे बोले जाते हैं। लेकिन ये ऑडियंस की टेस्ट बात है, अगर वो सब्जेक्ट से जुड़ी बात नजर नहीं आई उसका अटेंशन हट गया। फिर बात चलते हैं एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय होकर जो हम इसके फोकस की बात कर रहे थे, कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, हम एक्टिव रहकर बात करते हैं, यानी हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरी एनर्जी इसके बारे में रखने का प्रयास करते हैं कि बात को सुना जाए,
लेकिन फिर वही बात दिक्कत आती है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, नॉर्मल एफर्ट्स सामान्य तौर तरीकों से अगर बात समझ आ सकती है तो करना चाहिए। मुझे तो ध्यान से सुनना ही है, मुझे तो इस बात को समझना ही है, इससे खाली दिखावा करने से नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगली कैटेगरी फिर हमारे सामने आती है, प्रिटेंड लिसनिंग, नाटक करता है, दिखावा करता है, सुन रहा है नहीं सुन रहा, उसका ध्यान नहीं उस जगह पर वो है ही नहीं। और ऐसे में जैसे हमने जनरल लिसनिंग की बात की थी, उससे भी थोड़ी रिवर्स स्थिति हो जाती है, उसका ध्यान कहीं और ही है, वो कुछ और ही सोच रहा है। और जब कभी सवाल जवाब करने की कोशिश की जाए तो वो इसका मिसमैच करने की ज़्यादा स्थिति है। अटेंटिव लिसनिंग, इसमें लिसनर कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को मानते हुए, उस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, उस बात को पूरे एनर्जी के साथ अपने आप में उतारने की कोशिश करता है, उस सब्जेक्ट के साथ पूरा जुड़ने की कोशिश करता है। और वही जो बात की हमने कंसंट्रेशन, उसका मैक्सिमम जो कंपोनेंट हो सकता है वो इस कैटेगरी में आपको मिल सकती है। अगली कैटेगरी निकल आती है सेलेक्टिव लिसनिंग। हमारे मन में आती हुई बात सुनते हैं, मन में आती हुई तब हमारा ध्यान हटा लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात की हमने कंटेंट लिसनिंग, यानी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सुनेंगे, या सब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हमें अच्छा लगा खाली वो बात सुनी और जो अच्छा नहीं लगा छोड़ दिया। जैसे टीवी देखते हैं तो हमारी पसंद का सीरियल आता है या प्रोग्राम आता है तो हम टीवी देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। तो मैच देख रहे हैं, हमारे पसंद का खिलाड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है तो हम टीवी के साथ जुड़े रहेंगे, अदरवाइज बात सुन जाएंगे। ये हमारी सिलेक्टिविटी है, बायस भी हो सकता है, प्रोवाइडेड भी हो सकता है, लेकिन लिसनिंग के पर्पज को पूरा करने में ये भी हमारे सामने बहुत बड़ा एक बेरियर बन गया। और एक सबसे जो सुप्रीम इसका कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, सबसे बेहतरीन बेस्ट जो कैटेगरी बनाई जा सकती है वो है क्रिटिकल लिसनिंग। और वास्तव में यही होना चाहिए, वक्ता की हर बात को ध्यान लगाकर सुनो, उस बात के क्योंकि मौके की बात की जाती है तो कहने के लिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एक के बाद एक नई बात हमारे सामने आती रहती है, लेकिन हम उस विषय को छोड़ते नहीं हैं, उस थीम के साथ जुड़े रहते हैं और हम सुनते ही नहीं हैं, उसके साथ जुड़े जो बात हो सकती है हमारे दिमाग में उसका एनालिसिस चालू हो जाता है। और ये लिसनिंग का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट और मान लें कि लिसनिंग में जो वक्ता बोल रहा है तो सुनने की हम जरूर कोशिश करें, लेकिन उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करें। तो क्या करें, अपने पास एक पेपर और पेंसिल, पेपर और पेन ये हमेशा रखें, चीज़ों को नोट करते चले जाएँ, और उसमें अगर पूछने की कोई बात हो सकती है, समझने की कोई बात हो सकती है, जिसका एक्सप्लेनेशन जब आपको समय दिया जाए, जब आपसे वक्ता के द्वारा इसके बारे में डिमांड की जाए, उस समय से की जाए, लेकिन आपकी क्रिटिकल की एनालिसिस करने की प्रक्रिया सुनने की प्रक्रिया से आपकी होती रहे, ऐसे लिसनिंग बेस्ट लिसनिंग के रूप में कन्वर्ट की मानी जा सकती है। तो आप अब तक अपने आप को कहाँ पर पाते हैं पहले ये देख लें। और हमारा जो फोकस होना चाहिए या तो हम क्या एक्टिव लिसनिंग, हम अटेंटिव लिसनिंग या क्रिटिकल लिसनिंग, क्रिटिकल तक पहुँच जाए मैंने नहीं कर पाया, यानी आपको पढ़ाया गया उस चीज़ को खाली आपने समझा ही नहीं है, बल्कि उससे जुड़े जो आस्पेक्ट है क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए आपने अपने आप को तैयार कर दिया। ये है क्रिटिकल एनालिसिस करने का आपका तौर तरीका। तो कम्युनिकेशन के लिए जो हमारा एक ऐसा डायमेंशन जिसकी अनदेखी की जाती है, कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि वक्ता तैयार हो जाएगा बोल के चला गया, नहीं, आपको उसके बारे में सुनना है। और जब लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों को आप मैच कर लेंगे तब हमारा वास्तव में कम्युनिकेशन का पर्पज पूरा होता है। कहना, सुनना और समझना एक मीनिंग में अगर करना है उसके लिए लिसनिंग के ऊपर प्रमाण हासिल करनी पड़ेगी। और ये आपका आलस होना भी चाहिए, हमने बार बार आज की इस क्लास से बातचीत की है। लिसनिंग करने से सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो है आपको कुछ इनपुट मिलेगा, कुछ एडिशन हमारे नॉलेज में होगा, जितनी जानकारी है उसके अलावा कुछ और जानकारी मिलेगा। तो और नहीं, इस लालच में से हर समय अगर सुनने के लिए बैठे हैं तो पूरा अटेंटिव होकर, पूरा कंसंट्रेशन करके और क्रिटिकल फेज में आकर अपने आप को एक अच्छे ऑडियंस के रूप में आप बोल रहे हैं।